ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की लाइटनिंग फोटो एडिटिंग। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है गाइस, अभी जिगर वांद्रा वाले ने कुछ टाइम पहले अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था एंड गाइस इसके लिए आप सभी की डिमांड ज्यादा आ रही थी कि भाई हमें इसका कॉन्सेप्ट चाहिए। तो गाइस, मैं आप सभी के लिए इसकी वीडियो लेकर आ चुका हूं। सो गाइस, वीडियो जो हमारी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस, आप लोगों ने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं की हो तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस, इस वीडियो में जितने भी बैकग्राउंड पेन जिसका मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चले गए आज के इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले करना क्या है गाइस, आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर गाइस, आपको जाना है ऐसे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, यहां से आप सभी को ऐड करना है अपने मॉडल को, ठीक है? तो मॉडल को आपको कुछ स्टेप्स से ऐड कर लेना है। एंड गाइस, मॉडल का जो बैकग्राउंड है मैंने पहले से इरेज कर रखा है, जिसको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना उस वीडियो को एंड इरेज कर लेना, ठीक है? तो अब चलते वीडियो की तरफ। अब गाइस, यहां से जाना आपको ऐड फोटो में। एंड गाइस, आपको लेना है गाइस ये हैंड का पीएनजी। ये गाइस पीएनजी मैंने आप सभी के लिए बनाया है ताकि गाइस मतलब इससे आप सभी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मतलब कि आपको काफी ज्यादा वो मतलब कि अगर मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा तो आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी, जिसमें कि गाइस आपको मैंने एकदम शॉर्ट फॉर्म तरीके से इसमें बताया है। तो आप सभी को गाइस पीएनजी जो है गाइस आपको सिंपली अपने हैंड के पास कुछ स्टेप्स ऐसे लगाना है, आपको भी गाइस कुछ सेम फो जैसा ही करना है। एंड उसके बाद आप इजीली अपने हैंड के पास कुछ ऐसा लगा सकते हो, ठीक है? फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मतलब कि इसको मैच कराना है। एंड अगर ये मैच ना हो तो आपको सिंपली फोटो को जूम करना है। एंड उसके बाद आपको कुछ स्टेप्स ऐसे मैच करा लेना है, ठीक है? एंड इस तरीके से आपको उसको हाइड कर देना है यहाँ पे। एंड उसके बाद गाइस जब ये हाइड हो जाएगा यहाँ पे गाइस, तो उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आप सभी को गाइस यहाँ से इसको दूसरा वाला लेना है गाइस, दूसरे हैंड का जैसे गाइस ये वाला। एंड इसके बाद आपको सिंपली इसको गाइस सेम उसी तरीके से आपको ऐसे रखना है। एंड उसके बाद फोटो को जूम करना है। एंड उसके बाद गाइस सिंपली आपको कुछ इस टाइप से इसको मर्ज करना है, ठीक है? इतने तरीके से कर देना है। अब गाइस इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है यहाँ पे, अब गाइस यहाँ पे आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देना है। एंड गाइस अगर कोई पार्ट अगर आपका दिख रहा हो तो आप उसको क्लोन टूल से जाकर रिस कर लेना है, और क्लोन टूल के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो गाइस उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन में आप देख लेना। फिर गाइस ऐड फोटो में जाने के बाद आपको गाइस ये बिजली का पीएनजी ले लेना है। एंड गाइस इसका आपको ह्यू चेंज करना है जस्ट में जाकर। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को ऐसे ऊपर की तरफ देखना है, अगर ऊपर मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो गाइस आपको फिर नीचे की तरफ जाना है। एंड गाइस यहाँ पे हमारा जो है ये ब्लू येलो कलर मिल चुका है, ठीक है? तो अभी क्या करेंगे यहाँ पे, इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके इसको करेंगे स्क्रीन। एंड गाइस उसके बाद हम कुछ स्टेप्स आपको इसको अपने हैंड के पास कुछ स्टेप्स से रख देना है, ठीक है? इस तरीके से, जिससे कि मतलब कि आपको दिखाना है फोटो में कि हमारे जो हाथों में इतनी पावर है एंड हम इसको अपने अपने मतलब पावर को निकाल रहे हैं, ठीक है? तो आपको कुछ स्टेप्स ऐसे कर लेना है। एंड इतना कर देने के बाद जो आपका वेस्ट एरिया होगा साइड का, आपको सिंपल इसको इरेज कर लेना है कुछ स्टेप्स से, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो आप कर लेना कुछ स्टेप्स इरेज। एंड उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो मैं बताता हूँ। एंड पहले मैं इसको फटाफट इरेज कर लेता हूँ। एंड गाइस जितना हो जाने के बाद आपको सिंपली फोटो को डन कर देना है। एंड गाइस उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आप सभी को एक कलर सेलेक्ट करना है यहाँ पे येलो। एंड गाइस उसके बाद आपको जाना है ब्रश में, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है हार्ड ब्रश। एंड इसका अमाउंट जो कर देना है आप सभी को कुछ अराउंड 3 तक। एंड इसका सेट कर देना है। एंड उसके बाद फोटो को जूम करना है। एंड गाइस फोटो को जूम करने के बाद गाइस आपको अपनी आई के ऊपर इसको गाइस ऐसे पेंट करना है, ठीक है? मतलब कि आपको जो आई है इसको येलो कलर का बनाना है कुछ इस टाइप से, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, ठीक है? आपको कुछ स्टेप्स ऐसे बना लेना है। एंड इतना हो जाने के बाद गाइस आपको फिर अपनी दूसरे वाला आई पे भी कुछ इस तरीके से बना देना है। एंड इतना हो जाने के बाद गाइस आपको उसमें अब डालना है ग्लो। तो उसके लिए करेंगे, पहले हम यहाँ पे बनाएंगे एम्बिटी लेयर एंड इसकी ओपोसिटी हमें कर लेंगे थोड़ी सी कम, ठीक है? एम्बिटी लेयर बना लेते हैं। एंड उसके बाद ब्रश में जाएंगे, यहाँ पे हम गाइस इसको जो ब्रश है हम इसका हार्डनेस यहाँ पे कम करेंगे बिल्कुल 0, ठीक है? एंड उसके बाद यहाँ पे साइज को कुछ बढ़ा देंगे अपने अकॉर्डिंग कुछ इतना, हाँ इतना परफेक्ट है। फिर गाइस आपको क्या करना, आपको अपनी फोटो को जूम करना है। एंड फोटो को जूम करने के बाद गाइस आपको अपनी आई के ऊपर कुछ इस टाइप से ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है? कुछ इस तरीके से। एंड इस वाले दूसरी वाली आई के ऊपर भी कर देते हैं। एंड इसमें थोड़ा सा हम साइज इसका और इंक्रीज कर देते हैं, थोड़ा इतना कर लेते हैं। एंड इतना परफेक्ट है, ठीक है? अब इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको गाइस जाना है ऐसे सिंपली लेयर में, ठीक है? लेयर में जाके आप सभी को फिर उसके बाद इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है यहाँ पे। एंड इसको आप ओवरले रख सकते हो, ठीक है? ओवरले रखने के बाद आपको उसकी ओपेसिटी कम कर लेनी, नहीं तो यार फेक लगेगा ये। ओपेसिटी कम कर लेना आप भी। एंड इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डन करना है, ठीक है? तो इसको हम डन कर लेते हैं। अब गाइस इसमें हमारा एक काम रह गया गाइस, ठीक है? तो वो हमें इसके लिए दोबारा से ड्रॉ टूल में जाना पड़ेगा, तो यहाँ से ड्रॉ टूल में चलते हैं क्योंकि यार वो काम भी हमारा जरूरी है, क्योंकि हमें इसमें डालना इफेक्ट। तो इसमें ड्रॉ टूल में जाएंगे एंड यहाँ पे गाइस हम ब्रश में जाएंगे। एंड जो हार्डनेस है इसको आपको 0 रखना है एंड साइज को इंक्रीज रखना है, ठीक है? कुछ इतना। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेना है येलो। एंड उसके बाद आपको सिंपली आपको इसके बीच में से क्लिक करना प्रिंट करना है। तो गाइस साइज कम है तो यहाँ पे हमें साइज फुल करना पड़ेगा एंड यहाँ पे परफेक्ट है, ठीक है? तो इतना कर देते हैं सेट। एंड उसके बाद आपको किस स्टेप से ड्रॉ करना है। एंड इतना हो जाने के बाद गाइस यहाँ पे आप सभी को चेंज करना है ब्लेंडिंग मोड, ठीक है? तो यहाँ पे हम पहले ओवरले रख के देखते हैं। ओवरले गाइस खास नहीं लग रहा है, हम यहाँ पे रखेंगे इसको लाइटन, ठीक है? एंड उसके बाद इसकी ओपेसिटी कर लेंगे कम। अब गाइस इतना करने के बाद ये है हमारा यहाँ पे दो हो चुके परफेक्ट, ठीक है? अब इसमें गाइस थोड़ी सी हमें पार्टिकल्स वगैरह ऐड करने, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको सिंपली कर देंगे डन।
एंड उसके बाद गाइस क्या करेंगे, हम यहाँ से स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ एंड यहाँ जाएंगे ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से हम ऐड कर लेंगे एक पार्टिकल का पीएनजी एंड कुछ इस टाइप से। एंड उसके बाद गाइस हम इसका जो ब्लेंडिंग मोड है इसको रखेंगे यहाँ पे स्क्रीन एंड इसको कर देंगे हम फुल स्क्रीन, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड इसको फुल स्क्रीन करके जो फेस का एरिया होगा उसको हम सिंपली इरेज कर लेंगे ताकि जो फेस के ऊपर वो एरिया ना दिखे, एंड ऐसे दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम फेस से इरेज कर लेते हैं एंड परफेक्ट है। अब इसकी हम थोड़ी सी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, कुछ इतनी 70 तक। एंड उसके बाद कर देते हैं हम डन। अब गाइस जितना हो जाने के बाद आपको सिंपली इस फोटो को सेव कर लेना है एंड इसको लेकर चलना है आप सभी को लाइट रूम ऐप में। एंड उसके बाद गाइस लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद आपको जाना है लाइट वाला ऑप्शन में, इसका आपको थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है एंड जिसका हाईलाइट है इसको थोड़ा सा कम करना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो इसका शेडो है इसको आपको थोड़ा बढ़ा देना है एंड जो गाइस व्हाइट है आपको उसको थोड़ा सा कम कर देना है एंड जो ब्लैक है इसको भी थोड़ा कम कर देना है। फिर इतना जाने के बाद आपको जाना है कलर्स वाले ऑप्शन में, आपको गाइस इसका वाइब्रेशन बढ़ा देना है एंड गाइस इसका जो टेम्परेचर इसको कम कर देना है। एंड इतना जाने के बाद आपको कलर मिक्स पर क्लिक करना है, ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन माइनस करना है एंड ल्यूमिनस थोड़ा इंक्रीज कर देना है। फिर इसका येलो कलर में जाना है, इसका आपको ह्यू माइनस करना है एंड इसका सैचुरेशन प्लस करना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको जाना है सिंपली डार्क ब्लू में, आपको इसका ह्यू है जो दोनों में से कोई भी कलर रख सकते हो, स्काई ब्लू डार्क ब्लू आप अपने हिसाब से देख लेना। एंड उसके बाद हम आपको सिंपली कर देना डन। फिर गाइस आपको जाना है नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी है गाइस आपको इसको इनको बढ़ा देना है एंड जो फोटो में विग्नेट है वो डाल देना अपने हिसाब से। एंड गाइस इतना हो जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना, आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको सिंपली इसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जाना गाइस आपको नीचे वाले टूल में, एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे शार्पनेस को इंक्रीज करना है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको नोट रिडक्शन, आपको इसको बढ़ा देना है एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोट रिडक्शन, आपको इसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं हमारी फोटो का जो रिजल्ट है वो आप सभी के सामने आया होगा, तो आप आशा करता हूं आपसे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।